सलाम बाबा, आप आ गए? वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, हम आ गए। 15 शाबान का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था माशाल्लाह, बहुत हसीन प्रोग्राम था। लेकिन ये बताइए, आप अभी तक सोई नहीं है, क्या हुआ है? मैं सोने जा रही थी, आपको किसी चीज की जरूरत है? बेटा जरूरत तो नहीं है, लेकिन चले आप आराम कीजिए। लेकिन सोने से पहले 10 मरतबा दुरूद पढ़ के इमाम सबारा को जरूर हदाया करें। या मेरे खालिक, मेरे मालिक, मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? अपने हबीब के सदक़े इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनको हमारी नुसरत के लिए भेज दें। हमारी नुसरत के लिए भेज दे मेरे मालिक। सो रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम सो रहे हो। इमाम मेहदी के जुहूर की दुआ करते हो और सो रहे हो, घबरा गए। तुम तो हो बहू मेरे जैसे हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा जमीर। मेरा जमीर? तुम इमाम मेहदी के जहूर के मुंतजर हो? हाँ हाँ, मैं इमाम का मुंतजर हूं। हाँ मैं इमाम का मुंतजर हूं। खुद को इमाम जमाना का वफादार समझते हो? मैं सिर्फ वफादार नहीं, मेरी जान, मेरा माल, सब कुछ कुर्बान है मेरे इमाम पर। इमाम को तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे माल, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी वफादारी की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी जिंदगी की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? इमाम को फकत अपने शियों से सिर्फ एक तकाजा है, सिर्फ एक तकाजा, एक तकाजा, फकत एक तकाजा। क्या? सच्चे और दयानतदार मुसलमान। क्या कभी तुमने अपना मुहासबा किया? नमाज की पाबंदी तुम नहीं करते, दीन के अहकाम पर अमल तुम नहीं करते, क्या ये तोहफा दोगे अपने इमाम को तुम? बताओ। और कहते हो कि तुम इमाम से मोहब्बत करते हो, ये तोहफा पेश करोगे अपने इमाम को? लेकिन मैं इमाम का वफादार हूं। मैं इमाम का वफादार हूं। मैंने इमाम से मोहब्बत की है। मैं उनका मुंतजर हूं। किस तरह मैं इमाम को राजी कर लूं? आज औरतें पर्दा नहीं करती, हलाल और हराम के दरमियान फर्क खत्म होता जा रहा है। अल्लाह का खौफ खत्म और दुनिया की ताकतों का खौफ तुम पर तारी हो गया है। तुम लोग सूरह फील की तिलावत तो करते हो, लेकिन ईमान नहीं रखते। आज मुसलमानों को जिस जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, उस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं। जानता हूं मैं, मालूम है मुझे, मालूम। याद करो उन 313 मुसलमानों को कि जिन्होंने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी थी। फरिश्ते आसमान से मदद को उतरे थे, इसलिए कि वो सच्चे मुसलमान थे, उनके कुलूब पाक थे। मैं भी एक सच्चा मुसलमान हूं। मैं मोहब्बत करता, मैं मुंतजर हूं इमाम का। आज क्या तुम्हारा किरदार ऐसा है कि अपने इमाम के सामने शर्म का एहसास ना हो? शायद शायद ऐसा है। क्या आज तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत आखिरत की मोहब्बत से ज्यादा नहीं? ये माल, ये दौलत, ये पैसा, सब कुछ इमाम के लिए तो है। मैं तो आज भी मुंतजर हूं कि इमाम सदा दे और सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दूं, फिर भी तुम कहते हो कि मैं गुनाहगार हूं। क्या तुम आज अपने आमाल से साबित कर सकते हो कि तुम्हें यकीन है कि अगर तुम कितने ही कमजोर क्यों ना हो, अल्लाह के सिवा किसी भी ताकत से नहीं डरोगे? सोचो, पहचानो अपने आप को, और अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि इमाम मेहदी को तुम पर
फख्र है, चाहे वो जाहिर हो या ना हो। और एक मर्तबा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, कहीं तुम अपने इमाम के सामने शर्मिंदा तो नहीं हो जाओ। हाँ, मैं शर्मिंदा हूं। अगर ऐसा है तो पहले खुद को ऐसा बनाओ जैसा अल्लाह और उसका रसूल और इमामी वक्त चाहते हैं, इमामी समाना चाहते हैं। मेरे मालिक मुझे बख्श दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुझसे मालिक, मुझे सीधी राह दिखा मेरे मालिक, मुझे ऐसा बना दे जैसे मेरा रसूल और मेरा इमाम चाहता है। मुझे बख्श दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुझसे मेरे मालिक।